है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो पता ही नहीं चलता है, वो उनका नेचुरल स्टेट वैसा रहता है, और जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनको विकृत हो जाती चीजें, क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में घुस जाती है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसी ही घंटी बजनी चाहिए, तो वो अपनी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर रियलिटी में इसको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो इसके बारे में बात करना बंद कर दो, और ढूंढना भी बंद कर दो, देखना बंद कर दो, पूछना बंद कर दो। सबसे बड़ी बात होती है एक्सेप्टेंस। अगर आप एक्सेप्ट करना शुरू कर दो जैसा हो रहा है तो आपके साथ बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छा यहाँ मूलाधार में हो रहा है, ठीक है, अब ऐसे ऐसे हो रहा है, अच्छा किससे पूछें, चलो नेट ढूंढते हैं, अच्छा ऐसा हो रहा, फिर उसको जो है घुमाना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद गुरुओं से पूछना शुरू करते हैं, फिर किसी और से पूछेंगे, फिर कल्पनाओं में भी पूछेंगे, फिर विचारों में, फिर सपनों में, फिर उसमें जो चीज़ उठ रही थी वो विकृत हो जाएगी, उसको डिस्टर्बेंस मिल गई, क्यों? क्योंकि जो साइलेंटली उठना चाह रहा था उसमें आपने दृष्टिपात कर दिया, और जैसे आपने बताया, जैसे देखा वहाँ हलचल होनी शुरू हो गई, तो जो साइलेंटली उठ रहा था आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, और एक बार अगर डिस्टर्ब किया तो फिर वो जन्मों के लिए डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए मौन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब वाणी से नहीं, अंदर से मौन रहना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ध्यान, गुरु सानिध्य बहुत आवश्यक है। ये जब तक नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं, आपका लोगों के साथ कैसा व्यवहार है, अब भाई लोग तो आपके साथ कुछ ना कुछ करेंगे ही ना, कुछ ना कुछ गलत करते ही रहेंगे, लेकिन आपके भीतर से क्या आ रहा है ये आपकी स्टेट बताएगा कि आप किस स्टेट पे हैं। अगर आप भी उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर रहे हैं तो फिर बता देगा कि आप कौन से स्तर पर हैं। मुझे एक बार मुझे ड्रीम आया था कि एक बहुत बड़ा भयंकर राक्षस, मेरा अभी मैंने बच्चा भी पैदा किया है, उसको लेके नहीं आ गया, अभी भाग रहा है और मैं उसके पीछे पीछे भाग रही हूँ, जैसे जो माँ की भावना होती है। तो उसके बाद अचानक गांव सा है और अचानक एक जगह रुक जाते हैं हम, और वहाँ पे जैसे खेतों में पानी नहीं लगाते हो, तो वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई है, भारी भरकम साउथ इंडियन साड़ी पहनी हुई, मैं उनको एग्जैक्टली नहीं देख पाई, लेकिन वो ऐसे बैठी हुई, मैं ऐसे खड़ी हूँ, दानव ऐसे उसके हाथ में मेरा बच्चा। तो दानव ने मेरे सामने क्या किया, मेरे बच्चे के अपने हाथों से ना ऐसे उसके सिर में पिचाक कर दिया उसको, और मेरे मतलब सपने में फील कर रही होगी, आप इमेजिन करोगे कि माँ के सामने उसको क्या, उसके अंदर इतनी आग और क्रोध और पता नहीं क्या क्या आएगा, और मैंने ऐसे ही बोला उनसे, ऐसे बोला जो सामने बैठे हैं, माँ देखो मेरे बच्चे की तरफ, और उन्होंने बोला कोई बात नहीं माफ़ कर। तो जैसे ही उन्होंने बोला, मैंने उनकी बात को मैं सोच नहीं पाई, मैंने वो कर दिया। तो मैंने देखा कि जब मैंने किया, दानव ने जो मेरे अंदर था वो ख़त्म हो गया। तो उस सपने से मुझे ये पता लगा कि जब हमारे ही अंदर है सब कुछ, क्रोध भी हमारे अंदर है, सब कुछ मतलब, जब वो ख़त्म हुआ तो मुझे पता लगा कि कैसे ख़त्म होती है चीज़ें। जैसे तो वो ये ऐसे, तो मतलब इससे मुझे एहसास हुआ कि अंदर से ही होगा जो चेंज होगा। हाँ, प्रॉब्लम एक्चुअली अंदर ही है और हम बाहर उपाय कर रहे हैं। हम कोई चीज़ छोड़ते हैं, मान लो जैसे मैं पहले नॉन वेज थी, तो एक दिन अचानक मैंने कहा भी मैं नहीं खाऊँ, तो उसके बाद मैं बहुत शौकीन थी नॉन वेज, हर दूसरे दिन मैंने खाना बारबेक्यू वगैरह करके, तो एक दिन पता नहीं ये यहाँ से नहीं आया, कहीं और से भी नहीं खाया, तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरे साथ बैठा कोई खा रहा है, तो उसकी खुशबू से मेरे अंदर कुछ लालच आता, वो भी नहीं आता, तो फिर मुझे पता लगा कि वो अंदर। और प्रवीण, पूछो, तुम्हारे प्रश्न बड़े अजीब से होते हैं, पूछो पूछो पूछो। क्या लड़की का चक्कर है, इतना शर्मा रहे हो? पूछो पूछो, अरे प्रश्न पूछो भाई, कह रहे हो प्रश्न पूछूं फिर पूछ नहीं रहे हो। बहुत परेशान है, बहुत उम्मीद।
देखो जैसे इन्होंने बोला ना अभी, जब तक भीतर से नहीं समझ आएगी तब तक बाहर से कोई भी उत्तर नहीं मिलेगा। वही तो होने रहा ना, तो उसको होने दो ना। तो किसी ने समझाना चाहिए तुम्हारे, तो ना तो ज्ञान नहीं हो गया, वो तो समझने लगी तो होने वो हो नहीं रहा। देखो निकलना चाहिए वो। देखो मैं बताऊं प्रवीण, देखो तो फिर या फिर किसी ने ऐसा होता क्या है कि अगर तुम सानिध्य में सब कुछ करने के लिए रेडी हो तब उस चीज की मैं गारंटी लेने के लिए रेडी हूँ। अभी तक तो मैं भटक ही रहा था, अभी तो आप वो पिछले साल आप मिले तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए। हाँ नहीं तो आप देखा था कैसे था मैं। हाँ हाँ तो मैं समझ रहा हूँ, इनकी तो स्थिति और पागलपन जैसी थी, अभी तो फिर भी बैलेंस है। अच्छा जैसे जन्म कुंडली में किसी के साधना का योग तो उसकी साधना नहीं हो सकती। देखो तुम प्रश्न क्या कर रहे हो, जब किसी की कुंडली में साधना का योग नहीं है तो क्या साधना फलीभूत नहीं हो सकती है? तो प्रश्न तुम्हारे दोनों बीच में अलग अलग से हैं। या तो ये पूछो कि उसकी कुंडली में साधना फलीभूत होने का योग नहीं है। हाँ नहीं है, और वो साधना कर रहा है जैसे। हाँ या करता नहीं। हाँ तो उसमें वो सफल होगा। देखो कुंडली में, कुंडली बड़ी रहस्यमय चीज है, उसमें सब कुछ मिल जाता है, उसमें कर्म कारक शनि भी है और वही जो है वैरागी भी है। ठीक है, मतलब आपको कर्म भी कराएगा लेकिन वही आपको वैरागी बना देगा, कुछ नहीं करवाने देगा। गुरु भी बैठा है वहां पे, बृहस्पति जो है गुरु बन के बैठा है, राहु केतु चंडाल बन के बैठे हुए हैं, बुद्ध आपको बुद्धि भी दे रहा है लेकिन अकेले बैठा है तो नपुंसक है। ठीक है, शुक्र आपको विलासिता में, वैभव में डालेगा, स्त्री जीवन में आएगी, धन लक्ष्मी आएगी नहीं आएगी वो डिपेंड करता है ना। तो इस प्रकार से चंद्रमा अंतिम जो होता है अगर वो मेन पावर में है तो फिर सारे ग्रह ठीक रहते हैं। ठीक है, अच्छा क्यों ऐसा है, चंद्रमा ऐसा क्यों है, है ना? चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा मनसो जाता है बोलते ना, तो चंद्रमा को मन का कारक बोला जाता है। अब उसी पर ही आधारित हैं बहुत सारी चीजें। आप कुछ भी अपना जीवन में कुछ भी कार्य करते हो बुद्धि विवेक सोच समझ के करोगे, ठीक है, तो आप सही से चलोगे ना। लेकिन अगर उस पे भटकाव होगा, राहु की दृष्टि पड़ रही होगी तो आप क्या करोगे, भटकते रहोगे। लेकिन कहीं अगर बृहस्पति भी देख रहा होगा ना, तो अगर आपका गुरु सानिध्य हो रहा है तो गुरु आपको गाइड भी करेगा, भटकोगे फिर गुरु गाइड करेगा, भटकोगे फिर गुरु गाइड करेगा, ऐसी पोजीशन चलेगी। तो ग्रहों की दशा क्या चल रही है वो भी निर्भर करता है। अब राहु की अगर महादशा चल रही है तब तो एकदम तुम्हें निचोड़ देगा बहुत भयानक तरीके से, उसकी में उसको बहुत ऊपर तक पहुंचा देता है तांत्रिक शक्तियों में, है ना, किसी को पॉलिटिकल उसमें बहुत ऊपर पहुंचा देगा। और तंत्र में जो राहु है, बृहस्पति और शनि इन सब के साथ मिलके एक विशिष्ट प्रकार के आध्यात्म की तरफ धकेलता है ना, जो ट्रेडिशनल आ रहा है वो, और एक अपना उसका अपना तरीके से उसको आगे ले जाता है। तो कुंडली में ऐसा नहीं है कि योग नहीं होगा, दशा के ऊपर निर्भर करता है। बृहस्पति तो बैठा होगा ना भाई, कहीं ना कहीं देख ही रहा होगा तीन दृष्टि से, ठीक है, कहीं ना कहीं चंद्रमा भी बैठा होगा। तो कुंडली में सारी चीजें हैं, उसकी दशा के ऊपर निर्भर करता है कब आ रही है। अगर राहु की दशा आ रही है तो ये जान लेना कि वो आपको भटकाएगा बहुत ज्यादा, किसी भी एंगल से भटका सकता है, यात्राएं करवाएगा, गुरु से मिलवाएगा, तांत्रिक गुरु से मिलवाएगा, भैरव के गुरु से मिलाएगा, आपको खुद भी जो है तांत्रिक बना देगा, भटकाएगा बहुत ज्यादा, एक रहस्यमय आध्यात्म की तरफ ले जाएगा। ठीक है, आध्यात्म वैसी रहस्यमय है तो वो आपको कराएगा। अगर मान लीजिए शुक्र का कुछ आ रहा है तो अच्छा इस तरफ आ रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो आपको जो है शादी हो जाएगी, धर्म पत्नी अच्छी आ जाएगी, लक्ष्मी आ जाएगी, पैसा शोहरत नाम मान सम्मान ये सब। वही सोफे में बैठे हो, पहले सोफे में बैठते थे तो फटा हुआ रहता था,
अब उसकी अगर कृपा दृष्टि आनी शुरू हो जाएगी, उसकी दशा आ जाएगी, तो वही सोफा तुम्हारा जो है ड्यूरियन का हो जाएगा बढ़िया। तो उस पर निर्भर करता है कि योग बने होते हैं, गज लक्ष्मी गज केसरी सब बना हुआ है, लेकिन दशा नहीं आएगी तो रिजल्ट कहाँ मिलेगा। यात्रा में सभी हैं, आपके ऊपर बृहस्पति की कृपा होगी, शनि की भी होगी। कई बार लोग आता ना, अरे छोड़ो यार झंझट, हटाओ साले को, भागते हैं यहाँ से। क्या हो रहा है? शनि कहीं ना कहीं एक्टिव हो गया भाई साहब, उन्होंने कहा हटाओ इसको, वैरागी बनाओ। ठीक है, अब अच्छा अंदर से वैरागी भावना आ रही है, फंसे तुम वहाँ जगत में हो, तो ना तुम उधर के रहोगे ना इधर के रहोगे। क्यों? क्योंकि जहाँ आपका मन नहीं लग रहा होगा, जहाँ आपकी ऊर्जा नहीं लग रही होगी, वहाँ फंसे हो तो आप रिजल्ट दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। ठीक है, तो अंदर से आपकी वैराग भाग रहा है और बाहर आप लगे हो बही खाता लिखने में, कितना आया कितना गया, कहीं भी काम नहीं हो पाएगा, तो उलझे रहोगे। तो ये देखना पड़ेगा कुंडली में कि क्या दशा चल रही है, कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, किसको पावर देने की ज़रूरत है, और कौन से मंत्र जाप करने की आवश्यकता है, कौन सी साधना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी साधना ये मैं मानता हूँ कि गुरु की साधना जो होती है सबसे बड़ी होती है। अगर आपने गुरु को पकड़ लिया है और जो उसकी वाणी आ रही है, क्योंकि गुरु एक्चुअली सिर्फ वो गुरु बृहस्पति ग्रह नहीं है, गुरु के पीछे बहुत चीज़ें आ रही होती हैं, उसकी वाणी से कब क्या निकल के आ जाए और कब आप उसको पी के अपने जीवन में बदल दें, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन होता ये नहीं है, है ना, क्योंकि जो गुरु वहाँ सत्य मध्य में बैठा होता है, बाहर उसके माया का आवरण होता है। ठीक है, अब इसको देखने के भी कई तरीके हैं। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है, तो दूर से कोई देख रहा होगा तो उसको सभी माया लगेगी, ड्रामा लगेगा। ठीक है, आप लोग ये ड्रामे लगेंगे कि बैठा के कर रहे हैं। अब यही चीज़ वीडियो और यूट्यूब के माध्यम से जा रही, फेसबुक के माध्यम से जा रही, तो वो भी माया है ना। लेकिन उसी में से ही कोई सत्य की झलक ले रहा होगा, आप लोग ने कहीं ना कहीं से उसमें चुन लिया, आपको छू गई कोई बात, ये बात कुछ अलग कह रहा है, शायद ये सही व्यक्ति है। या कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, चेक करने के लिए भी आते हैं, लेकिन चेक करने के लिए भी आया तो आ तो गया है कि नहीं। तो जो उसको चेक करने वाली भाव लगी कि ये हाँ ये चेक कर सकते हैं चल के, इसको होगा तो चलते हैं देखते हैं, उसको जो खींच के लेके आया है ना, जिसको वो लॉजिकली सोच रहा है कि मैं चेक करने के लिए आया हूँ, वो भी उस माया में फंस के आ गया है। इसीलिए अधिकतर जो गुरु होते हैं उनका जो बाहरी आडंबर होता है बहुत तीव्र होता है। ठीक है, खूब माला लगी होगी, तिलक और भस्म और जटाएं, वो माया का पार्ट है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वही चीज़ चाहिए, तुम्हें दिखाई ही वही देता है। तो जब तक तुमको दिखाई नहीं जाएगा तुम आओगे नहीं, और जब तुम आओगे तब उसके बाद तुम्हें रियलिटी बताएगा कि देखो ये सत्यता है ना। ऐसे ही एक बहुत अच्छा साधक है दर्शक, उसके बारे में अधिकतर उदाहरण देता हूँ। वो जैन है और जैन के बहुत गहरी साधनाएं तपस्या करके उसने करी। तपस्या कैसे करी? खाना नहीं खाता था, पतला हो गया था बिल्कुल, बाल छोड़ दिए थे बिल्कुल, एकदम एक वस्त्र में रह के साधना करता था। बहुत अच्छा बिजनेस करता रहता है अपना, छोटा मोटा जो भी कर रहा है, लेकिन उसके अंदर था। तो उसकी जीवन में कोई घटना घटी सांसारिक, तो उसके उस झटके से उसके भीतर एक वो आया कि मुझे अप्सरा ही चाहिए, मुझे अप्सरा ही चाहिए। उसके जीवन में जीवन का उद्देश्य बना लिया उसने। तो मेरे पास आया तो क्या मुझे अप्सरा चाहिए। मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ लो, अप्सरा में कब तक फंसे रहोगे? नहीं गुरु जी, मुझे अप्सरा ही चाहिए। मैंने ठीक, करो अप्सरा करो। मुझे पता था कि अगर ये टच में रहेगा कभी ना कभी तो गिर जाएगा। और वो करता रहा, सिर्फ अप्सरा करता रहा और कुछ नहीं। और क्या करता रहा? देखो साधक कितना अच्छा है, हर शिविर में आता रहा, हर शिविर में। कहाँ? पुणे में बैठे हुए हैं और वहाँ से उज्जैन आ रहे हैं, इधर उत्तराखंड आ रहे हैं, हर शिविर में। और शिविर में क्या होता है? यही सब होता है, फालतू की बातें, और क्या होता है। तो ये आता था, दो दिन रहता, तीन दिन रहता, चला जाता, जो भी मैं करवाता करता था। और यही कहता कि मुझे अप्सरा ऐसा अनुभव हो रहा, वैसा हो रहा। ये अभी पिछले के पिछले शिविर में आया और अचानक से उसने मुझे रोका। मैं ऐसे जा रहा था पहाड़ी पर, गुरुजी मुझे बात करनी। मैंने बोलो, और मेरी तरफ आँखों में आँखें डाल के देख रहा है। क्या गुरुजी, वो मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे से छूट रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अप्सरा छूट जाएगी मुझसे, मैं साधना छोड़ दूंगा?
और आंखें उसकी जो है नम हो गई, ये बोलते बोलते। तो क्या हो रहा है उस साधक की कंडीशन देखो क्या है, एक तरफ उसने पकड़ के रखा हुआ है कि मुझे अर्जित करना है, एक तरफ सत्य खींच रहा है। जैसे रुई होती है कांटे में फंस जाती है, कैसे खींच रहा होता है, छोटा छोटा दाना रेशा उसका फंसा रहता है, वो खींच रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं उसने कांटे को फंसा रखा है, खींच रहा है, गुरुदर से खींच रहा है। तो उसको खींचा जा रहा था साइलेंटली, मैंने कभी नहीं कहा अप्सरा छोड़ दो, कभी नहीं कहा, जबकि मैंने उसका, मैंने अगली बार मिलोगे तो मैं तुमको बताऊंगा कि क्या करना है, और मैं बताता था, फ़ोन पे भी बोलता था, बताता था, लेकिन सिर्फ सानिध्य मात्र से ही उसकी आंखें नम हो गई। और दो मिनट अगर मैं बात करता तो आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते, दो मिनट और मैं बात करता, मैं गुरु जी ऐसा हो रहा, वैराग हो रहा, अंदर से छूटने का हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। और आज उसकी कंडीशन ऐसी है कि इसकी कुंडलिनी जो है बहुत भयानक जोर मार रही है, बहुत भयानक जोर मार रही है। उसने फोटो वीडियो मुझे भेजी, किसी और ने रिकॉर्ड करके भेजी, देखिए क्या हो रहा है गुरु जी, क्या हो रहा है अब। लेकिन क्या है कि अभी भी वो थोड़ा सा उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि लॉजिक बचा है ना, तो लॉजिकली वो समझने का प्रयास कर रहा है, तो वो उस समय विकृत हो जाएगा अगर वो मेरी चीज़ को नहीं समझेगा जो मैं बता रहा हूँ, तो वो क्या है पागलों की तरह अपना एक दुकान सजा के बैठ जाएगा और झाड़फूँक करना शुरू कर देगा, वो आगे की यात्रा में नहीं बढ़ पाएगा। अब अप्सरा अप्सरा गई, मैंने कहा ऐसा है अप्सरा की बात करनी है ना, तो क्या नहीं गुरु जी अप्सरा अप्सरा नहीं, अब मेरे साथ ये हो रहा है। मात्र 2 साल में कहाँ था और कहाँ आया दर्शक को, कितना 2 साल जुड़े हुए हैं, है ना, डेढ़ साल की ऐसी स्थिति हो गई। तो क्या हुआ, आया किस लिए था और क्या होने लगा, उसको गुस्सा भी आ रहा होगा, हो सकता है गुस्सा आ रहा हो, मुझे गाली भी दे रहा हो कि ये साला मैं करने के आया तो मुझे कहाँ फंसा दिया। लेकिन मैंने उसको बोला, अर्पित नहीं बोला उसको, अर्पित सी बात, बोला कि बेटा ये किसी के साथ नहीं होता, ये तुम्हारे साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं मैंने कर दिया कुछ, मैंने थोड़ा ना कुछ करा। जैन उस साम्राज्य संप्रदाय का रहने वाला, उसमें कितनी उसने तपस्या करी है, वो सब इकट्ठा है ना, सब एकत्रित होकर जोर लग रहा है, सारा पुण्य अर्जित करके। तो ऐसे साधक की यात्रा होती है और कभी भी गिर सकता है, ऐसा नहीं कि बस कुंडली जागृत होगी तो हो गया, नहीं, कभी भी गिर सकता है वापस उसी स्थान पे। इसलिए सानिध्य बहुत आवश्यक है। मैंने बुलाया था, वो शायद नहीं आ पाया, पता नहीं क्यों नहीं आ पाया, हो सकता है हालत ठीक ना हो उसकी, क्योंकि वो ऐसी चीज होती है कि नहीं समझ पाता है कोई भी साधक, नहीं समझ सकता है, वैसे उसे होना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा है। अच्छा लॉकडाउन में गया, ठीक है, हाँ, तो उसने आना था, मुझसे बोला था कि आएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा व ज्ञानवर्धक लगा हो तो सभी मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। काल भैरव ध्यान संस्थान के अंतर्गत भगवान भैरव के मंदिर व आश्रम निर्माण में आपका सहयोग आवश्यक है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए पेटीएम या गूगल पे पर अपना सहयोग अवश्य करें। धन्यवाद।